नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुख्तार अंसारी मामले में योगी आदित्यनाथ ने खुद अब संभाल ली है कमान, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का बेटा था, जो कि जिसके ऊपर रातों रात कार्रवाई हुई है, पुलिस महकमा घर पर पहुंचा है, वो भी लखनऊ वाले, और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट था, और ये अब्बास अंसारी अभी समय फरार थे। तो आपको बता दें पूरा का पूरा वाकिया और ये पूरा तांडव कांड आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपराधियों पर नकेल कस रही है, अपराधियों के जो हालात हैं वो खस्ता होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा यहां पर जो हाल है वो अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी, अंसारी परिवार का आपको दिखाने जा रहे हैं वीडियो में, जहां योगी सरकार 2.2 जो ओके निशाने पर पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की गिरोह आईएस 191 है। गिरोह के आर्थिक तंत्र के नस्तो नाबूद करने के अभियान में चलाकर सिंडिकेट को तोड़ा जा रहा है। इसमें काफी हद तक आपको बता दें अपराध की जड़ें हिल चुकी हैं, लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ी कार्रवाई यहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर हुई है। आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो, अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर रातों रात जो लखनऊ पुलिस उनके घर पर पहुंची थी लखनऊ में, और उसके बाद वहां पर जो कुछ हुआ है और घर के अंदर कैसे गई है वो सारे कुछ दिखाएंगे, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें अभी तक मुख्तार अंसारी के जो परिवार है उसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा, बेटे अब्बास और उमर सहित 49 सदस्यों और सहयोगियों पर प्रशासन का चाबुक चल चुका है। आपको बता दें आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, और अपने अकेले मऊ की बात करें तो अभी तक मऊ में 2.4 अरब की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। सरकार इस गिरोह से जुड़े एक एक अपराधियों को, नामचीन सफेदपोशों को, कोल माफिया, भू माफिया जो है उनकी जो अवैध वसूली के माफिया है, उन सब पर कुंडली तैयार करके धड़ाधड़ कार्रवाई में समय जुटी हुई है। पूर्वांचल में अब तक मुख्तार गिरोह के फैले हुए आर्थिक साम्राज्य को झटके पर झटका लग रहा है, और केवल 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 आर्थिक साम्राज्य पर ही नहीं, परिवार में सबसे बड़ी बात अब्बास अंसारी को लेकर के है, जहां पीएमएलए कोर्ट ने उनको गैर जमानती वारंट यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, जहां उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की वहां पर पुलिस कवायद में है। इसी बीच इसी कवायद में रात, आपको बता दें रात में पहुंची थी यूपी पुलिस, और अब्बास अंसारी के घर पर क्या कुछ होता है वो आपको बता दें, आपको बता दें माफिया के मुख्तार अंसारी के बेटे के और मऊ के सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें काफी बढ़ चुके हैं। लखनऊ कमिश्नरेट ने पुलिस में अब्बास को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ, मऊ, गाजीपुर व दिल्ली स्थित 5 ठिकानों पर दाबिश दी है, और यही नहीं पुलिस ने उनके गृह जिले मऊ और गाजीपुर में भी डेरा डाल दिया है। गौरतलब आपको बता दें 12 अक्टूबर 2019 को महानगर थाने में तत्कालीन प्रभारी अशोक, जो निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, अब्बास अंसारी के खिलाफ जालसाजी और का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया था कि अब्बास 2012 के डीबीएल गन लाइसेंस लिया था, उसमें दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था, बाद में खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस वहां पर कई हथियार खरीद लिए थे। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट में जो है एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की थी, और कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। बार बार आदेश देने के बाद अब्बास कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने 15 जुलाई को उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। उसमें 27 जुलाई तक अब्बास की गिरफ्तारी कोर्ट को सूचना देने की बात भी कही गई है। इस आदेश पर अनुपालन के लिए पुलिस लगातार 2 दिनों से दाबिश दे रही है। पुलिस कमिश्नरेट जो है डीके ठाकुर ने बताया मुताबिक पुलिस टीम अब्बास की गिरफ्तार करने के लिए मऊ, गाजीपुर, दिल्ली में दाबिश दे रही है। पुलिस टीम लखनऊ में पेपर कॉलोनी में स्थित मेट्रो सिटी व न्यू विधायक आवास हजरतगंज में भी दाबिश दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और अभी भी उनके तलाश में जारी वहां पर जारी है। लेकिन सबके बीच सबसे अहम जो बात आपको बता दें वो ये है कि 2007 से लेकर 2012 तक का जो मामला था, इस बीच बसपा की सरकार थी जिसमें मुख्तार अंसारी गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई इस समय जो है वो किया था। इसमें मछली व्यवसाय के विरुद्ध
कार्रवाई की गई थी। एक बार आपको बता दें, ऐसा भी लगा था कि गिरोह टूट गया है, पर समय के साथ एक बार फिर से ये गिरोह फूला फूला। जी हाँ, 2007 से बाद, क्योंकि मायावती का जो भी टेन्योर था उसमें जो ये गुंडे लोग थे और जिस तरह से माफिया लोग थे उनकी कमर टूटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि फिर से समाजवादी पार्टी आ गई और समाजवादी पार्टी ने फिर से इस सबको लेकर के वहां पर फिर से एक के बाद एक चीजें, फिर इन लोगों का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया। इन सबके बीच आपको तो गिरोह इस समय मऊ सहित पूर्वांचल में एक बार फिर अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। 2017 में प्रदेश में बागडोर संभालते योगी की सरकार ने सबसे मुख्य यहां पर मुख्तार गिरोह के निशाने पर रहा है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, वाराणसी सहित पूर्वांचल के पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत व आईएस ठेकों पर भी सिक्का जमाए मुख्तार अंसारी की गिरोह की धमक कम पड़ी तो गिरोह के सफेदपोशों, भूमाफियाओं और ठेकेदार के जो ठेकेदारों में के संपत्तियों का भी औरा जुटाया लगाने लगा। एक एक अवध संपत्ति की जांच होने बाद होने वाली कार्रवाई से गिरोह के जो जड़े हैं वो भूमिगत हो गई हैं और लोग भूमिगत हो गए। इन सबके बीच आपको बता दें, बैंक की 24 करोड़ जमीन अब इस समय जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी गिरोह के वो आपराधिक गैंग ही नहीं बल्कि नामचीन सफेदपोश ताकत प्रदान करते हैं। जबकि योगी सरकार ने प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है तो पूर्वांचल के मुख्य गिरोह का फैला साम्राज्य निशाने पर लिया है। बीते 9 जून को प्रशासन ने दसई पोखरा के निकट मुख्तार के बेटों पर अब्बास व उमर के नाम 24 करोड़ की जमीन को जब्त कर दिया। वहीं दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में रैनी गांव में कई बीघे बने भंडार गृह पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था। रैनी निवासी अनुसूचित जात के लोगों को जमीन पर जबरन कब्जा बनाए और भंडार गृह को प्रशासन के सीज कर दिया। वहीं सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने और जबरन भूमि कब्जाने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सवा अंसारी सहित 2 बेटों पर मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ है। अब इन सबके सबसे अहम ये बात आपको पता है कि इन सबके बीच गणेश मिश्रा की 110 करोड़ की संपत्ति भी इसमें जब्त हुई है। यहां मुख्तार अंसारी के गिरोह के सहयोगी ये गणेश दत्त मिश्रा हैं जिनके विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और ग्राम सिकटिया बिना नक्शा पास कराए लगभग 4 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लानिंग किए जाने के 4 जनवरी को प्रशासन ने जब्त कर लिया था। इसी तरह अवैध तरीके से प्रीति वक्सीट इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर विजय कुमार के नाम पर भूमि खरीद कर अवैध कॉलोनी विकासित करने का भी मामला आया था जिसको 11 अप्रैल को जब्त किया गया था। इन सबके बीच मई में अब तक जो मऊ में अब तक कार्रवाइयां हुई वो हैं 56 लोग को अब तक गैंगस्टर लग चुका है। गिरोह में 76 लोगों का गुंडा एक्ट कार्रवाई हुई है। 68 लोगों पर नगर निगम स्टैंड जो है टेंडर वो निरस्त किया गया है। 6 ठेकेदारों का चरित्र प्रमाण पत्र जो है निरस्त किया गया है। गिरोह में मछली माफिया को 8.17 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। भू माफिया की 60 लाख की संपत्ति जी कुर्क यहां पर जब्त की गई है। इसके अलावा कोयला माफिया के 5.5 करोड़ रुपए की भूखंड जो शॉपिंग मॉल था उसे और 1 करोड़ वाहन यहां पर जब्त किए गए हैं करोड़ के। और मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम 24 करोड़ की जमीन जब्त की गई है। वहीं वसीली माफिया का 6.62 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गाजीपुर तिराह में 20 करोड़ की लागत है गृहस्थ प्लाजा और मैरिज हॉल का ध्वस्तीकरण किया गया है। सिकटिया में बिना नक्शा पास कराए भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर रहे 4 हेक्टेयर जमीन पर भी यहां पर नक्शा जो है उसको भूमि को जब्त किया गया है। इस पर पुलिस अधीक्षक क्या बोल रहे हैं, अपराध से जुड़ा कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी गिरोह के आईएस 191 से जुड़े लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। गिरोह से जुड़कर जिन लोगों के अवैध संपत्ति अर्जित किया है सभी की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। और अविनाश पांडे ये पुलिस अधीक्षक मऊ के हैं जिन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।